ये है वीवो का एपेक्स 2020 स्मार्टफोन और देखा जाए तो फ्यूचर का स्मार्टफोन हो सकता है। मतलब कि जो वीवो एपेक्स है वो तो दरअसल एक कॉन्सेप्ट फोन है। ये फोन आपको कभी रियलिटी में या फ्यूचर में भी कभी ऐसा फोन आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज जो चीज आपको देखने को मिल रही ना, मेरे को लगता है कि वो चीज आपको फ्यूचर के स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। और वीवो एपेक्स को देख के एक पूरी झलक मिल जाती है कि आखिर फ्यूचर में स्मार्टफोन क्या होने वाले। तो चलिए, इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो काम कैसे करती है, वो किस तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकते और स्मार्टफोन को कंप्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर सकती है, चलिए आज इस वीडियो में यही बात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले के ऊपर, यानी कि Vivo Apex 2020 में आपको 120 डिग्री का एक बॉर्डरलेस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि साइड से कवर्ड है। अब आप लोगों ने वाटरफॉल डिस्प्ले का भी नाम सुना था, अब इसके अंदर क्या रहता है कि जो डिस्प्ले होता है ना वो साइड से पूरा कर्व्ड हो जाता है और नीचे की एजेस तक जाता है। देखने में काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज लगती है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन मैं आपको सच बात बता रहा हूं, ये जो टेक्नोलॉजी ने प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कंपनी इस टेक्नोलॉजी को डालेंगी। अब बात करते हैं कि आखिर प्रैक्टिकल क्यों नहीं है। वेल, अब सीधी बात है, अगर आप फोन को अगर हाथ में पकड़ोगे और फोन के एजेस साइड से कर्व्ड है तो साइड से तो आपकी उंगलियां टच करेंगी और एक्सीडेंशियल जो टचेस होते हैं वो होंगे। अब पाम रिजेक्शन कैसे करना, एक्सीडेंशियल जो टचेस होते हैं उन्हें कैसे रिजेक्ट करना, ये कंपनीज के ऊपर है। और अभी तक इसका 100% जो सॉल्यूशन होता है वो अभी तक हमने नहीं देखा है। इवन सैमसंग के पुराने फोन के साथ दिक्कत थी, रिसेंटली जो Mi Mix Alpha आया उसके अंदर भी पाम रिजेक्शन उतना अच्छा नहीं है। अब देखते हैं कि पाम रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन पाम रिएक्शन चलो एक बार कंपनीज ने इसे सॉफ्टवेयर के रूप में सॉल्व कर लिया, पता लगा लिया कैसे करना है। लेकिन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है ड्यूरेबिलिटी की, यानी अगर फोन अगर साइड से कर्व्ड है और नीचे गिरता है ना तो जो एजेस है वो पहले नीचे टकराती है तो उससे आपका जो फोन है वो डैमेज हो सकता है। अब मतलब अभी के समय में क्या रहता है कि साइड में आपको फ्रेम देखने को मिलते हैं, कुछ फोन में आपको मेटल की फ्रेम देखने को मिलते हैं और साइड से अगर फोन गिरे तो काफी हद तक बच जाता है। लेकिन कैसा केस आपको किसी वाटरफॉल डिस्प्ले के साथ देखने को मिल सकता है? वेल, देखा जाए तो कुछ ऐसे सवाल अभी भी वाटरफॉल डिस्प्ले के साथ बने हुए हैं, ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड इशू और पाम रिजेक्शन जैसे इश्यूज, लेकिन देखने में काफी ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगती है। और मेरे को लगता है कि इसी के दम पे जो कंपनीज है ना वो अपने हर फोन में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आज के समय में सारे फोन एक जैसे दिखते हैं और अगर वाटरफॉल डिस्प्ले आता है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बड़ा होता है और नया फॉर्म फैक्टर कुछ आता है ना तो कंपनीज को मार्केट करने से बेच पाना ज्यादा आसान हो जाएगा। इसका मतलब एक मार्केट में कोई नई चीज आई है, तो डेफिनेटली चीज आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी, लेकिन आगे चल के कैसा परफॉर्म करेगी वो देखने वाली बात है। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को लग रहा था कि अगर वाटरफॉल डिस्प्ले बना दे तो साइड में आपको बटन्स का देखने को मिलेंगे जैसे वॉल्यूम रॉकर वगैरह, तो ऑब्वियसली वो उसके लिए आपको प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्लेस देखने को मिलेंगे आगे फ्यूचर के अंदर। और तो जो सॉफ्टवेयर बटन्स होते हैं ना वॉल्यूम के, उसका इंप्लीमेंटेशन होने वाला है। और देखा तो इस टाइप की चीजें ऑलरेडी चल रही है काम में और काफी सारे फोन आने वाले समय में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको प्रेशर सेंसिटिव डिस्प्ले देखने को। देखते हैं कि आखिर एग्जैक्टली उनमें कैसे काम करती है चीज। लेकिन इसके बाद बात करें तो कंप्लीटली बेजललेस और कंप्लीट डिस्प्ले वाले फोन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिस्प्ले के अंदर सेल्फी कैमरा को डालना, यानी कि मैं बात करूं इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा को। अब ओप्पो ने और Xiaomi ने इसका प्रोटोटाइप तैयार किया था लेकिन रियल फोन में इसे अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए, लेकिन यहां पे Vivo ने इंट्रोड्यूस कर दिया 16 मेगापिक्सल का एक इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। अब इसका फायदा यह है कि डिस्प्ले के अंदर सेल्फी कैमरा रहेगा, जब भी आपको सेल्फी लेनी है तो जो डिस्प्ले के ऊपर जो छोटा सा पार्ट होता है ना वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, लाइट उसके अंदर एंटर करेगी और वो आपकी सेल्फी ले लेगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो सेल्फीज की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो लाइट होती है प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं जा पाती, थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो जो कैमरा सेंसर है वहां तक प्रॉपर लाइट नहीं पहुंच पाती, इससे आपको अच्छी इमेजेस देखने को नहीं मिलती। वेल, Vivo ने यहां पे क्या कि स्पेशल एल्गोरिथम्स को डेवलप किया जिससे जो इमेज की जो क्वालिटी उसे और एनहांस किया जा सके और जो लाइट की जो कमी पड़ रही थी ना उसे फुलफिल किया जा सके। अब बस मार्केट में देखते हैं कि आपको इस टाइप का इंप्लीमेंटेशन कैसे देखने को मिलता है। वैसे मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जो इन डिस्प्ले कैमरा है ना ये डेफिनेटली फ्यूचर होने वाला है। मतलब 2020 की बात करें तो ये जो साल है ना पूरा पंच होल के नाम जाने वाला है, सारी कंपनीज जो ना वो होल पंच डिस्प्ले को यूज करेंगे, लेकिन जो 2021 होगा ना वो होगा इन डिस्प्ले कैमरा के नाम, यानी कि उस समय इन डिस्प्ले कैमरा की तो बाढ़ सी आने वाली है। तो देखा तो डेफिनेटली फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जो आपको Vivo Apex में देखने को मिल रही है। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है कि आपको Vivo Apex में सेल्फी कैमरा में इंप्रूवमेंट है, रियर कैमरा में भी काफी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, वो है कंटीन्यूअस जूम। यार अभी तक आप लोगों ने मोबाइल फोन में देखा ना कि आपको 2x 3x 5x जूम देखने को मिलता है, यानी कि 1x से डायरेक्टली 2x ऑप्टिकल जूम होता है और 1 से लेके 2 के बीच में यानी कि 1.4 1.5x पे आपको डिजिटल जूम देखने को मिलता है, फिर 2x एक ऑप्टिकल जूम हो जाता है। काफी सारे फोन्स में आपको 5x जूम देखने को मिलता है जिसके अंदर 1x से लेके 4.9x तक आपको डिजिटल जूम देखने को मिलता है मेन कैमरा का, 5x पे अच्छी क्लैरिटी मिलती है क्योंकि वहां पे वो लेंस को स्विच कर देता है। और देखा जाए तो जो फोकल लेंथ रहती है ना वो फिक्स रहती है कैमरास की, लेकिन अब Vivo ने ऐसा इंप्लीमेंट कर दिया कि फोन के कैमरा को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि आपको कंटीन्यूअस जूम देखने को मिले, यानी कि बात करें
वीवो एपेक्स 2020 की, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूस जूम देखने को मिलता है 5x जूम से लेकर 7.5x तक, यानी कि 5x के बाद 5.1, 5.5, 6x भी ले सकते हो, 7x भी ले सकते हो, क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि ऑप्टिकल जूम है, कोई डिजिटल जूम नहीं है। और जो दूसरी कंपनीज है ना, वो क्या करते हैं कि ऑप्टिकल प्लस डिजिटल को मिक्स करके हाइब्रिड जूम बना के लोगों को ये प्रिटेंड करते हैं कि उनके कैमरा के अंदर 20x, 30x, 100x जूम है, लेकिन वो देखा जाए तो ऑप्टिकल प्लस डिजिटल कॉम्बिनेशन होता है। वैसे इसकी पूरी रियलिटी क्या है स्मार्टफोन जूमिंग को लेके, तो उसके ऊपर एक कल एक काफी अच्छा वीडियो आने वाला है, तो अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अगर वापस आए अगर इस टेक्नोलॉजी पे और अगर ये चीज फ्यूचर में इंप्लीमेंट होती है दूसरे फोन में, तो आपको हो सकता है देखने को मिले 1x से लेके 10x का कंटिन्यूस जूम, यानी कि 1x पे फोटोग्राफ लेनी है, फिर 2x, 3x या फिर 3.5x पे लेनी है, तो वो ऑप्टिकली जूम करके ले पाओ। अगर इस टाइप का इंप्लीमेंटेशन होता ना तो और भी ज्यादा बढ़िया बात होगी। और इतना ही नहीं, जो मेन कैमरा है ना वीवो एपेक्स 2020 का, उसके अंदर आपको गिम्बल स्टेबलाइजेशन मोड देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, गिम्बल स्टेबलाइजेशन जो OIS आया था ना उसका एक एडवांस वर्जन है। अब OIS में क्या होता था कि लेंस मूव करता है जिस तरीके से आपका जो फोन होता है ना वो मूव करता है, यानी कि फोन अगर जिस डायरेक्शन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो लेंस है वो मूव करेगा। लेकिन अगर हम बात करें गिम्बल स्टेबलाइजेशन में, तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो कैमरा मॉड्यूल है ना वो ही मूव करेगा और उसके अंदर आपको और ज्यादा अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। यानी कि पूरा कंसेप्ट ये है कि फोन के अंदर ही गिम्बल को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, वो भी बिना किसी पोस्ट प्रोसेसिंग और EIS का यूज करके फिजिकल लेवल पे जो कैमरा होता है इसे कैसे स्टेबलाइज किया जाए। तो देखा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा कमाल का इंप्लीमेंटेशन है। और बात करूं इसकी ना, तो आपको जो लो लाइट की जो फोटोग्राफी होती है ना वो आप लंबे समय तक कर पाओगे और उसके अंदर क्वालिटी अच्छी देखने को मिले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका फोन थोड़ा बहुत अगर हिलेगा तो जो कैमरा है उसे वो बैलेंस कर लेगा और आपको अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो वीडियो के अंदर जो स्टेबलाइजेशन होता है ना वो भी एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है ना ये OIS से काफी ज्यादा बेटर है। तो जो गिम्बल स्टेबलाइजेशन है ना काफी अच्छी टेक्नोलॉजी जो कि कैमरा की टर्म्स में काफी अच्छा रिवॉल्यूशन ला सकती है। देखते हैं कि गिम्बल वाली टेक्नोलॉजी आपको मेन स्ट्रीम फोन्स में कब-कब देखने को मिलती है। और इसी के साथ ही बात करते हो जो फोन के अंदर जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ना वो भी एडवांस है, यानी कि फोन के अंदर आप लोगों को पता है कोई भी होल नहीं है। और ऑब्वियसली एप्पल भी ऐसे आईफोन पे काम कर रही है जहां पे आपको होल्स देखने को नहीं मिलेंगे। और ये हमें पहली झलक मिल जाती है कि आने वाले समय में वायरलेस चार्जिंग की स्टेट क्या होगी, यानी कि इस फोन में आपको 60 वॉट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलती है। और वीवो ने यह क्लेम किया कि 2000 एमएएच की बैटरी 0-100% चार्ज हो सकती है सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और इसके साथ और इंटरेस्टिंग बात यह कि कंप्लीटली वायरलेस है, यानी कि अभी तक हमने वायरलेस चार्जिंग में यह दिखाता था कि हीटिंग लॉस होता है, एनर्जी लॉस होता है, इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती, स्लो होती है, इसलिए जो वायरलेस चार्जिंग है ना कभी मेन स्ट्रीम नहीं हो पाई और कभी भी वायर्ड चार्जिंग को रिप्लेस नहीं कर पाई। लेकिन अब जिस तरीके से फ्यूचर आगे जा रहा है वायरलेस नेचर पे, तो मेरे को लगता है कि जो फास्ट वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है डेफिनेटली आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगी। मतलब फ्यूचर में तो ये आएगी, लेकिन अभी पहले महंगे फोन तक आएगी, उसे टाइम लगेगा थोड़े बजट फोन तक आने में, लेकिन ये आएगी जरूर, क्योंकि जो वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी ना बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप हो रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि आने वाले 5-6 साल बाद आपको ऐसे फोन देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको फास्ट वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा, कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जो फास्ट वायरलेस चार्जर है ना, ये आज के फास्ट चार्जर से भी जल्दी आपके फोन को चार्ज कर देगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात होती है। अगर 60 वॉट की वीवो ने डेवलप कर ली टेक्नोलॉजी वायरलेस चार्जिंग की, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात हो जाती है। वैसे इसके आगे बढ़ के बात करें तो Xiaomi ने भी 40 वॉट की चार्जिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और लग रहा है कि जो सुपर फास्ट वायरलेस चार्जिंग है ना वो फ्यूचर हो सकता है आने वाले समय में। तो देखा जाए तो ये कुछ फीचर्स है जो आपको वीवो एपेक्स 2020 में देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली ये फीचर्स है ना आपको अलग अलग फोन्स में देखने को मिलेंगे, यानी कि वीवो एपेक्स कभी मार्केट में आए नहीं और कभी वीवो से मार्केट में लाके बेचे नहीं, लेकिन इसके अंदर की जो टेक्नोलॉजी मेरे को लगता है कि दूसरी कंपनीज अडॉप्ट करेंगी और एक एक करके मार्केट में हमारे सामने आती रहेंगी। वेल ऐसा हमने पहले भी देखा, वीवो की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंट्रोड्यूस किया था और आज हर एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर के फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और मेरे को लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजीज है ना शायद आने वाले समय सारी की सारी किसी एक फोन में देखने को ना मिले, अलग अलग फोन में अलग अलग टेक्नोलॉजी का अलग अलग लेवल पर इंप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन देख के काफी अच्छा लगता है कि आपको जो फ्यूचर के जो फोन है ना वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाले, क्योंकि अभी देख के लग रहा था कि फोन है वो धीरे धीरे बोरिंग होते जा रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि जो आने वाला जमाना है ना फोन का वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे इनमें से आपको सबसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी लगी, तो प्लीज ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर ऑसम कंटेंट। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।